Hey guys, what's up? So, fashion show में रैंपवॉक में जो मेल मॉडल्स अतरंगी अतरंगी कपड़े पहन के वॉक करते हैं वो सिर्फ वो शूट्स में ही पहनते हैं क्योंकि वो पेड प्रमोशन होती है इसलिए। बट रियल लाइफ में मेल मॉडल्स भी हम लोगों की तरह बेसिक कपड़े ही पहनते हैं बट उनका पहनने का स्टाइल थोड़ा अलग होता है इसलिए मेल मॉडल्स इतने अट्रैक्टिव एंड इतने चार्मिंग दिखते हैं। इसलिए आज हम डिस्कस करेंगे मेल मॉडल्स के वो 8 स्टाइल टिप्स जिसे फॉलो करके हम डार्क स्किन लड़के कपड़े पहन के एक मेल मॉडल की तरह अट्रैक्टिव दिख सकते हैं। सो पहला मेल मॉडल स्टाइल टिप नो ब्राइट कलर क्लोथ्स। आप बस ऑब्जर्व करना, कोई भी मेल मॉडल अपने ऑफ ड्यूटी में ब्राइट कलर के क्लोथ्स नहीं पहनते हैं जैसे ब्लू, रेड, नियॉन ग्रीन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, क्योंकि ब्राइट कलर के कपड़े हमें चाइल्डिश दिखाती है, मैस्कुलर नहीं। इसलिए मेल मॉडल्स अपने शूट्स के अलावा अपने ऑफ ड्यूटी में बिल्कुल भी ब्राइट कलर के कपड़े नहीं पहनते हैं। वो हमेशा न्यूट्रल कलर के कपड़े पहनते हैं जैसे ब्लैक, नेवी ब्लू, ऑलिव ग्रीन, मरून, ग्रे, बेज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, क्योंकि न्यूट्रल कलर के कपड़े हमें मैच्योर, एलिगेंट एंड सीरियस दिखाती है। और ये चीज एक मेल मॉडल को अच्छी तरह से पता है इसलिए एक मेल मॉडल इतना चार्मिंग, इतना अट्रैक्टिव और इतना सीरियस दिखता है। दूसरा स्टाइल टिप है नो क्रिंजी चीजी ग्राफिक टी-शर्ट। ट्रस्ट मी, आज तक मैंने एक नॉर्मल से नॉर्मल मॉडल्स को भी नहीं देखा है कि वो चीजी लाइन वाले टी-शर्ट्स पहनते हैं जैसे बाबा जी का ठुल्लू, आई एम अ टी पर्सन, आई लव न्यूयॉर्क, एफ ऑफ। बहुत से लड़कों को लगता है कि हम ये क्रिंज लाइन वाले टी-शर्ट्स पहन के कूल दिखते हैं बट ये हमारी पर्सनालिटी को दूसरों के नजरों में छपरी एंड मवाली टाइप बना देती है। इट शोज कि हमें ड्रेसिंग की सेंस नहीं है और अभी भी हम बच्चे ही हैं। इसलिए एक मेल मॉडल की तरह अट्रैक्टिव दिखने के लिए आप कभी भी लिखावट प्रिंटेड वाले टी-शर्ट्स को मत पहनना, हमेशा प्लेन एक कलर वाले टी-शर्ट्स को पहनना जिसमें किसी भी ब्रांड का लोगो या कुछ लिखावट या डिजाइन प्रिंटेड ना हो। और अगर आपको प्रिंटेड टी-शर्ट्स पहनना ही है तो आप ग्राफिक्स प्रिंटेड टी-शर्ट्स को ही पहनना जिसमें कोई कोट लिखा हुआ नहीं होता है बल्कि ग्राफिक्स प्रिंटेड रहता है टी-शर्ट के आगे या टी-शर्ट के बैक में, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हो। और मेल मॉडल्स भी सॉलिड एक कलर वाले प्लेन टी-शर्ट भी पहनते हैं और ग्राफिक्स प्रिंटेड टी-शर्ट भी पहनते हैं। बट हाँ, ये मैं आपको राउंड नेक हाफ स्लीव टी-शर्ट के बारे में बता रहा हूँ। बट इन टर्म्स ऑफ फुल स्लीव टी-शर्ट, पोलो टी-शर्ट, हेनलेट टी-शर्ट एंड टर्टल नेक टी-शर्ट, तो ये सारे टी-शर्ट्स मेल मॉडल्स हमेशा प्लेन एक कलर वाले पहनते हैं। तीसरा स्टाइल टिप है अवॉइड फास्ट फैशन ट्रेंड। ये चीज एक मेल मॉडल को अच्छी तरह से पता है कि ट्रेंड्स आती जाती रहती है तो हर ट्रेंड को हमें फॉलो करना है ऐसा जरूरी नहीं है क्योंकि उन्हें पता है कि हम चाहे सुपर मॉडल ही क्यों ना हो हर ट्रेंड हमारे ऊपर अच्छी नहीं लगती। इसका बेस्ट एग्जांपल है रणवीर सिंह। रणवीर सिंह एक मॉडल से भी ज्यादा अट्रैक्टिव है बट वो जब अतरंगी अतरंगी जोकर्स वाले कपड़े पहनते हैं तो उनके ऊपर भी वो अच्छे नहीं लगते। इसलिए मेल मॉडल्स भी अपने ऑफ ड्यूटी में हर ट्रेंड्स को फॉलो नहीं करते हैं, वो सिर्फ उन्हीं ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं जो उनके बॉडी टाइप के ऊपर और उनके फेस के ऊपर अच्छी लगती है। जैसे जब स्किनी जींस का ट्रेंड आया था तो बहुत से मॉडल्स ने उस ट्रेंड को फॉलो किया और बहुत से मॉडल्स ने नहीं किया। सिमिलरली अभी जैसे ओवरसाइज्ड का ट्रेंड चल रहा है तो बहुत से मॉडल्स ओवरसाइज्ड कपड़े पहन रहे हैं और बहुत से मॉडल नहीं पहन रहे, वो अपने पुराने रेगुलर बेसिक फिट कपड़े ही पहन रहे हैं। इसलिए अगर आपको कोई ट्रेंड पसंद नहीं है और उसे आप फॉलो करना नहीं चाहते हो तो ये मत सोचना कि आप आउटडेटेड दिखोगे बल्कि आप क्लासी हो एक मॉडल की तरह। फोर्थ मेल मॉडल स्टाइल टिप है फोकस ऑन फैब्रिक। सो जैसा मैंने आपको कहा कि मेल मॉडल्स अपनी पर्सनालिटी को मैच्योर, एलिगेंट एंड सीरियस दिखाने के लिए वो सॉलिड प्लेन एक कलर वाले कपड़े पहनते हैं बट वो कपड़े खरीदते वक्त फैब्रिक पर बहुत ध्यान देते हैं क्योंकि फैब्रिक का क्वालिटी जितना ज्यादा अच्छा होता है उतना ज्यादा हम प्रीमियम और रिच दिखते हैं। जैसे हमें लगता है कि जूडियो एंड ज़ारा टाटा की कंपनी है बट जूडियो में एक प्लेन टी-शर्ट 200 में मिल जाती है, वही ज़ारा में एक प्लेन टी-शर्ट 1500 रुपए में मिलती है, तो हमें लगता है दोनों तो सेम ही प्रोडक्ट है तो इतना प्राइस डिफरेंस क्यों है। बट एक्चुअली प्राइस डिफरेंस फैब्रिक की वजह से होता है। 200 रुपए वाली टी-शर्ट की फैब्रिक जो होती है कॉटन फैब्रिक की होती है बट 120 GSM 24 सूता की होती है जो बायोवॉश्ड भी नहीं होती है और सिंक्रोनाइज्ड भी नहीं होती है, इसलिए तो जूडियो की टी-शर्ट 3-4 वॉश में ही फेड होने लगती है और टी-शर्ट में लिंट आने लगती है। बट जो ज़ारा में 1200-1500 में टी-शर्ट मिलती है वो होती है बायोवॉश्ड सिंक्रोनाइज्ड कॉटन फैब्रिक की प्लस 160 टू 180 GSM 28 सूता। बट ज़ारा की टी-शर्ट लॉन्ग टर्म तक चलती है और पहनने में भी कंफर्टेबल होती है और दिखने में भी प्रीमियम लगती है। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ना ही सस्ते कपड़े खरीदो और ना ही महंगे कपड़े, आप मिड रेंज वाले कपड़े खरीदो क्योंकि मिड रेंज वाले कपड़े अच्छे फैब्रिक के भी होते हैं और दिखने में प्रीमियम लगते हैं और पहनने में भी कंफर्टेबल होते हैं। इसलिए सपोज करो अगर आप टी-शर्ट खरीद रहे हो तो ना ही 200 वाले टी-शर्ट खरीदना और ना ही 1200-1500 वाले, आप 500 वाले टी-शर्ट खरीदना। फिफ्थ स्टाइल टिप है डू ऑल ब्लैक आउटफिट। अगर आपको किसी पार्टी या इवेंट में जाना है और अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या पहन के उस इवेंट में या पार्टी में जाओ तो आप सिंपली ऑल ब्लैक आउटफिट कर लेना क्योंकि ये मेल मॉडल्स का एक सीक्रेट वेपन है। आप ये नोटिस करना, मैक्सिमम मेल मॉडल्स किसी इवेंट या पार्टी में ऑल ब्लैक आउटफिट्स में ही आपको दिखने को मिलेंगे क्योंकि ऑल ब्लैक आउटफिट्स एक मोनोक्रोमेटिक आउटफिट होती है जो हमें टॉल दिखाती है और हमें मैच्योर एंड सीरियस लुक देती है प्लस हमें मिस्टीरियस भी दिखाती है। इसीलिए तो मेल मॉडल्स इतने अट्रैक्टिव, इतने चार्मिंग और इतने मिस्टीरियस दिखते हैं। और सबसे
सबसे अच्छी बात, ऑल ब्लैक आउटफिट्स हमारे ऊपर सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं। सिक्स्थ स्टाइल टिप है एक्सेसरीज। हर एक मेल मॉडल्स एक्सेसरीज के इंपॉर्टेंस को अच्छी तरह से समझते हैं, इसलिए आप नोटिस करना, एक भी मेल मॉडल्स आपको ऐसा दिखने को नहीं मिलेगा जिसने एक्सेसरीज ना पहनी हो। हर एक मेल मॉडल्स एक्सेसरीज पहनता है, फिर चाहे वो एक सिंपल सा नेकलेस ही क्यों ना हो। एक्सेसरीज हमारे आउटफिट और हमारे पर्सनैलिटी को स्टाइलिश बना देती है, बट तीन से ज्यादा एक्सेसरीज एक साथ मत पहनना। सेवेंथ स्टाइल टिप है क्लोथ्स फिटिंग। मॉडल्स कभी भी ज्यादा फिटेड या ज्यादा लूज कपड़े नहीं पहनते हैं, क्योंकि मॉडल्स अपने पर्सनैलिटी को रिलैक्स एंड कामिंग पर्सनैलिटी बनाकर रखते हैं, इसलिए उनको ये पता है कि अगर वो ज्यादा फिटेड कपड़े पहनेंगे तो उनकी पर्सनैलिटी एक मस्कुलर पर्सनैलिटी दिखेगी, जो एक फिटनेस मॉडल के लिए अच्छी बात है बट एक स्टाइलिश मॉडल के लिए नहीं। और एक मेल मॉडल को ये भी पता है कि अगर वो ज्यादा लूज कपड़े पहनेंगे तो उनके बॉडी का स्ट्रक्चर सही से दिखेगा नहीं, जिससे वो अनअट्रैक्टिव दिखेंगे। इसलिए एक मेल मॉडल ना ही ज्यादा लूज कपड़े पहनते हैं और ना ही ज्यादा फिटेड कपड़े, वो हमेशा एक रेगुलर फिट वाले कपड़े पहनते हैं, इससे एक कामिंग एंड रिलैक्सिंग पर्सनैलिटी दिखती है। और अगर कोई मेल मॉडल ओवरसाइज ट्रेंड फॉलो करता है तो वो अपर वेयर एंड बॉटम वेयर दोनों में से कोई एक ओवरसाइज आइटम पहनता है ताकि बॉडी का स्ट्रक्चर सिमेट्री में दिखे। एंड फाइनली एथ मेल मॉडल स्टाइल टिप है देयर वॉकिंग एंड सिटिंग स्टाइल। एक मेल मॉडल सबसे ज्यादा स्टाइलिश उनके वॉक एंड सिटिंग स्टाइल की वजह से दिखता है, इसलिए आप ये नोटिस करना कि कोई भी मेल मॉडल ना ही ज्यादा तेज और ना ही ज्यादा स्लो वॉक करते हैं, और ना ही वो अपने चेस्ट एंड शोल्डर को झुका कर वॉक करते हैं, वो हमेशा अपने चेस्ट एंड शोल्डर को अप करके रिलैक्स होकर वॉक करते हैं, जिससे उनकी पर्सनैलिटी एक कामिंग पर्सनैलिटी दिखती है। और जब वो कहीं पर बैठते हैं तो अपने लेग्स को जॉइंट कर नहीं बल्कि हल्का सा स्प्रेड कर बैठते हैं, जो उन्हें एक लीडर पर्सनैलिटी डोमिनेटिंग एंड अट्रैक्टिव दिखाती है, इसलिए आप भी इस वॉकिंग एंड सिटिंग स्टाइल को फॉलो करना। तो ये थे वो 8 मेल मॉडल स्टाइल सीक्रेट्स, जिसे फॉलो करके हम डार्क स्किन के कपड़े पहनकर एक मेल मॉडल की तरह अट्रैक्टिव दिख सकते हैं। और अगर आप जानना चाहते हो मॉडल्स का फेस इतना अट्रैक्टिव कैसे दिखता है तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। तो इसी के साथ मिलता हूं आप सबके साथ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए डार्क स्किन को अपनी कमजोरी नहीं उसे अपना ताकत बना।